हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रवीण कुमार अपने यूट्यूब चैनल हर हर महादेव वीडियोस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आया हूं एक नई अपडेट के साथ। अपडेट है एचएसएससी के बारे में। देखिए, एचएसएससी ने एक 2019 में लिपिक पद पर यानी क्लर्क की एक भर्ती की थी। लगभग 4800 वैकेंसी थी उसमें। एचएसएससी ने जो है अपनी तरफ से क्लर्क्स की भर्ती को पूरा करके बच्चों को ज्वाइन करवा दिया था, कैंडिडेट्स को। तो और कुछ कैंडिडेट्स जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था, उन्होंने भर्ती पर केस कर दिया कुछ क्वेश्चंस को लेकर। अब जाकर उस भर्ती पर केस जो था वो फाइनल हुआ है, उसमें बच्चों की जीत हुई है। तो जो है हाई कोर्ट ने एचएसएससी को फटकार लगाते हुए कहा है कि 3 महीने के अंदर अंदर इस रिज़ल्ट को दोबारा से जारी किया जाए, इस भर्ती को फेयर तरीके से पूरा किया जाए। तो एचएसएससी ने उसके चलते फिर से रिज़ल्ट जारी किया है। कुछ नए बच्चों को इसमें मौका मिलेगा और हो सकता है जिन बच्चों ने पहले ज्वाइन किया हो उनका फाइनल लिस्ट में नंबर ना आए तो वो घर भी बैठ सकते हैं। उनके लिए बुरी खबर भी है ये। तो देखिए बच्चों, अब होना क्या है कि जो जितने भी बच्चे हैं जिनका रिवाइज रिज़ल्ट में जो शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, जो उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवानी है अपनी, जिसकी प्रोसेस मैं आपको बताता हूं। तो चलिए ज़्यादा सा टाइम वेस्ट ना करके करते हैं आज की वीडियो को शुरू। ये है एचएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि आप सबको पता है। इसमें हम जाते हैं नीचे। नीचे जाने के बाद आपको मिलता है पब्लिक नोटिस। पब्लिक नोटिस पर क्लिक करने के बाद पब्लिक नोटिस खुल जाएंगे आपके सामने। ये थोड़ा नेटवर्क इशू है, इसकी वजह से थोड़ा स्लो हो रहा है। देखिए, नोटिस खुलने शुरू हो गए हैं। देखिए बच्चों, भर्तियां आजकल हम ये नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट जॉब है। गवर्नमेंट जॉब लगभग ऐसी होती हैं जिन पर केस चलता है और कुछ पता नहीं होता कि कितने टाइम बाद उस केस का निपटारा हो। और आजकल सरकारी नौकरियों में भी घर बैठ जाते हैं, तो कुछ ज़्यादा सी सिक्योरिटी नहीं रह गई है आजकल कि हाँ गवर्नमेंट जॉब में हट नहीं सकते, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मैं आपको नोटिस दिखाता हूँ। ये नोटिस है, नोटिस टू कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क रिगार्डिंग नो जॉब इन फैमिली अंडरटेकिंग। और नेक्स्ट है नोटिस टू कैंडिडेट्स फॉर सिक्योरिटी एंड डिपार्टमेंट प्रेफरेंस फिलिंग नोटिस। इस नोटिस को मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, नोटिस खुल गया है। इसमें मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या करना है बच्चों को डिपार्टमेंट फिल करने के लिए और सिक्योरिटी के लिए, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। देखिए, नोटिस है सिक्योरिटी एंड डिपार्टमेंट प्रेफरेंस फिलिंग नोटिस। इन कंटिन्यूएशन टू नोटिस डेटेड 13/5/2022 रिटर्न एग्जाम रिजल्ट नोटिस डेटेड 17/5/2022 एंड इन कंप्लायंस ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑर्डर इन CWP नंबर 15672 ऑफ 2021 डेटेड 25/4/2022 इट इज Inform to all the concerned candidate of advertisement number 5/2019 category number 01 for the post of clerk that scrutiny of said post will be conducted from 21/5/2022 to 6/6/2022 at sector 5 parade ground panchkula। यानी कि जो रिवाइज रिजल्ट आया है और जिन बच्चों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होनी है वो 21 मई से शुरू हो जाएगी और 6 जून तक चलेगी सेक्टर 5 पंचकुला परेड ग्राउंड में। नेक्स्ट है सेकंड नंबर क्या है, अकॉर्डिंगली डिपार्टमेंट एलोकेशन टू ऑल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिवाइज मेरिट लिस्ट एंड प्रेफरेंस। सो ऑल शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट आर एडवाइज टू फिल देयर डिपार्टमेंट प्रेफरेंस ऑनलाइन यूजिंग देयर लॉग इन आईडी एंड पासवर्ड फ्रॉम 21/5/2022 to 27/5/2022 फेलिंग विच डिपार्टमेंट्स विल बी एलोकेटेड इन अकॉर्डेंस विद मेरिट एज पर क्राइटेरिया डिसाइडेड बाई कमीशन। यानी कि अगर वो डिपार्टमेंट प्रेफरेंस फिल नहीं करते हैं तो फिर डिपार्टमेंट अपने हिसाब से जो उन्होंने क्राइटेरिया डिसाइड कर रखा है उसके हिसाब से डिपार्टमेंट एलोकेट करेंगे आपको। और फिर देखें, कैंडिडेट ऑलरेडी सिलेक्टेड या प्रेजेंटली वर्किंग एंड कैंडिडेट्स वो हैव ऑलरेडी फिल्ड डिपार्टमेंट प्रेफरेंस अर्लियर शैल ऑल्सो फिल एज अगेन एज डिपार्टमेंट एलोकेशन विल बी डन अगेन ऑन द बेसिस ऑफ रिवाइज रिजल्ट एंड दस रिवाइज मेरिट फॉर ऑल सिलेक्टेड कैंडिडेट।
यानी कि जिन बच्चों जो बच्चे पहले से ज्वाइन कर चुके हैं, जो पहले से ड्यूटी पर हैं, उन बच्चों को भी प्रेफरेंस फिल करनी है दोबारा से अपनी, उनकी भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर से होगी। ये देखिए कुछ रोल नंबर दे रखे हैं कि किस रोल नंबर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस डेट को होगी, तो आप अपना रोल नंबर के हिसाब से चेक कर लेना कि आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस दिन है और फिर प्रेजेंट होना है आपको उस डेट को उस टाइम पर। ये देखिए 21 मई से शुरू होकर 6 जून तक है ये रोल नंबर फ्रॉम टू रोल नंबर टू तक दे रखे हैं कि किस रोल नंबर से किस रोल नंबर तक किस डेट में है, ये आप चेक कर लेना अपना। इम्पोर्टेंट नोट्स क्या क्या हैं, कैंडिडेट सेल डाउनलोड देयर एडमिट कार्ड फ्रॉम 19/5/2012, ये गलत दे रखा है, 12 मिस प्रिंट है, 22 होना चाहिए इधर। यूजिंग लॉग इन आई डी एंड पासवर्ड एंड सेल अपीयर बिफोर द कमेटी एट टाइम एंड डेट एज मैंसन इन एडमिट कार्ड, यानी कि 19/5/2022 से जो है अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो एडमिट कार्ड है उसको डाउनलोड कर सकेंगे और फिर कमेटी और टाइम के हिसाब से जो एडमिट कार्ड पर मेंशन होगा उसके हिसाब से आप प्रेजेंट होंगे कमेटी के सामने। नेक्स्ट दे रखा है ऑल फोटोस्टेट कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड ड्यूरिंग फिजिकल सिक्योरिटी ऑफ डॉक्यूमेंट शैल बी क्लियर एंड लिजिबल, इशूइंग डेट इशूइंग अथॉरिटी एंड कंप्लीट हेडर एंड फुटर शुड बी क्लियरली विजिबल, यानी कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके जो भी कास्ट सर्टिफिकेट और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें हेडर फुटर अच्छे से दिखते हों, इशूइंग अथॉरिटी इशूइंग डेट सब कुछ विजिबल हो उसमें। डॉक्यूमेंट्स विदाउट इशूइंग डेट एंड इशूइंग अथॉरिटी विल बी आउट राइटली रिजेक्टेड एंड कैंडिडेट विल हिमसेल्फ स्लैश हरसेल्फ बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लैप्स, यानी कि अगर डॉक्यूमेंट्स में जो डिटेल्स हैं वो अच्छे से क्लियरली दिखाई नहीं देंगी तो उसके लिए जो कैंडिडेट है वो खुद रिस्पॉन्सिबल होगा। थर्ड दे रखा है ओनली दोज डॉक्यूमेंट्स विल बी कंसिडर्ड वैलिड विच आर इशूड बिफोर कट ऑफ डेट 13/8/2019, यानी कि 13/8/2019 को जो कट ऑफ लगी थी उससे पहले के जो डॉक्यूमेंट्स, यानी कि जो आपने फॉर्म अप्लाई किया था उस टाइम जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड की थी वही डॉक्यूमेंट वैलिड माने जाएंगे, उसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं माना जाएगा आपका। फिर यहाँ कुछ ज़्यादा सी इन्फॉर्मेशन नहीं है, चलिए फिर दिखाता हूँ मैं आपको। इन्फॉर्मेशन नंबर 13 और 14 इम्पोर्टेंट हैं। 13 देखिए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट सच एज मोबाइल कैमरा एटसेट्रा आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, ओनली डॉक्यूमेंट्स पैन आईडी प्रूफ रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विल बी अलाउड इन प्रेमिसेस, नो टेप फेविकोल स्टेपलर एटसेट्रा विल बी अलाउड, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मोबाइल फ़ोन कैमरा ये वहाँ नहीं लेकर जाने हैं आपको, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स पैन आईडी प्रूफ और पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो रिसेंट के हों वो लेकर जाने हैं, टेप फेविकोल स्टेपलर ये कुछ भी वहाँ अलाउड नहीं होंगे। सबसे महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है इन्फॉर्मेशन नंबर 14, देखिए मैं बताता हूँ आपको क्या क्या है। डॉक्यूमेंट्स सेल बी अरेंज्ड इन फॉलोइंग सीक्वेंस, जो आपके डॉक्यूमेंट्स वहाँ आपको चेक होंगे वो इस सीक्वेंस में होंगे, पहले नंबर पर सिक्योरिटी फॉर्म आपको लगाना है, दूसरे नंबर पर ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म यानी कि जिस टाइम आपने फॉर्म अप्लाई किया था उस टाइम जो प्रिंट आपने निकाला था वो, तीसरे नंबर पर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट यानी कि 10th क्लास की मार्कशीट जो आपकी DOB के लिए भी कंसिडर की जाएगी, चौथे नंबर पर 12वीं क्लास का सर्टिफिकेट, पाँचवें पर ग्रेजुएशन और एनी अदर हायर एजुकेशन हायर क्वालिफिकेशन, छठे नंबर पर डोमिसाइल, सातवें पर कास्ट सर्टिफिकेट हो, फिर आठवें पर आपका जो है एक्स सर्विसमैन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वे, नौवें पर सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के जो मार्क्स मिलते हैं यानी कि अंडरटेकिंग ऑफ नो जॉब फादरलेस या विडो डीनोटिफाइड और नोमैडिक ट्राइब, और एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट जो होगा वो आपको नौवें नंबर पर लगाना है, दसवें पर आधार और एनी आईडी प्रूफ, और ग्यारहवें पर है एनी अदर डॉक्यूमेंट्स, पंद्रहवा है ऑल पेजेस शैल बी सेल्फ अटेस्टेड एंड नंबर्ड, यानी कि हर पेज पर नंबर डालना है सीरियल वाइज और सेल्फ अटेस्ट हों वो।
तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशंस जो आपको चाहिए थी, और मैं अब आपको दिखाता हूँ सर्टिफिकेट फॉर एन एप्लीकेंट हुज़ फादर हैज़ डाइड, यानी कि फादरलेस का जो सर्टिफिकेट है वो आपको प्रोफोमा दे रखा है डिपार्टमेंट ने खुद, तो उसको फिल करना है आपको, फिल करके अपने साथ लेकर जाना है और उस पर सिग्नेचर विद सील ऑफ नायब तहसीलदार या तहसीलदार, इनके साइन करवा के लेकर जाना है आपको साथ। सारे डिटेल्स इसमें फिल करनी है। नेक्स्ट है विडो सर्टिफिकेट, विडो सर्टिफिकेट का प्रोफोमा आपको दे रखा है, ये डिटेल्स फिल करके आपको सिग्नेचर ऑफ विद सील ऑफ नायब तहसीलदार और तहसीलदार, तहसीलदार या नायब तहसीलदार के साइन के साथ आपको लेकर जाना है उधर साथ। नेक्स्ट है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ऐसे बनेगा, ये अपना बनवा कर जो इशूइंग अथॉरिटी है उसके साइन स्टैम्प करवा के आपको साथ लेकर जाना है ये। उसके बाद है ये सिक्योरिटी फॉर्मेट फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क एडवर्टाइजमेंट नंबर 5/2019 कैटेगरी नंबर 01, रोल नंबर, नेम ऑफ कैंडिडेट, फादर नेम, रिजर्वेशन क्लेम्ड कैटेगरी एज पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। इसमें देखिए पहले नंबर पर 10th की डिटेल्स भरनी है आपको, फिर हिंदी संस्कृत यानी कि फिर से 10th की डिटेल, फिदर की एज 17 to 42 ईयर्स यानी कि इसके बीच है तो येस अदरवाइज नो, फिर नेक्स्ट दर के इफ़ एज रिलैक्सेशन क्लेम्ड, रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट इज़ टू बी गिवन एज पर हरियाणा गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन, यानी कि 42 से अबो अगर चाहिए तो फिर आपको SC/BC के जो रूल्स हैं हरियाणा गवर्नमेंट में उसके हिसाब से आपको रिजर्वेशन मिलेगी, रिलैक्सेशन मिलेगी एज में। नेक्स्ट है डोमिसाइल ऑफ हरियाणा, उसके डिटेल्स आपको फिल करनी है। पांचवे नंबर पर है एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन की जो डिटेल्स है, ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट की जो डिटेल्स हैं वो फिल करनी है। छठे नंबर पर है 12वीं क्लास की डिटेल्स फिल करनी है आपको, फिर है ग्रेजुएशन की डिटेल्स, और सातवें पर है हायर क्वालिफिकेशन, फिर देखा सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट विद डेट, दूसरी साइड दे रखा है सिग्नेचर ऑफ HSSC ऑफिशियल विद फुल नेम एंड डेजिग्नेशन। नेक्स्ट दे रखा है आठवें नंबर पर सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया एंड एक्सपीरियंस, ये मार्क्स जो आपको मिलेंगे उसके हिसाब से कि आपको सर्टिफिकेट जो भी हैं वो आपके पास होंगे उनकी इशूइंग डेट, अथॉरिटी और डॉक्यूमेंट सीरियल नंबर सब कुछ आपको फिल करना है। फिर दे रखा है डिक्लेरेशन ओनली बाई द कैंडिडेट, ये डिक्लेरेशन है कि मैंने जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं वो सब कुछ फेयर हैं, कुछ भी अगर गलत मिलता है तो उसके लिए मैं खुद ज़िम्मेदार होऊंगा और मेरा जो कैंडिडेचर है वो कैंसल कर दिया जाए, इसके लिए मैं कोई क्लेम नहीं करूंगा, ऐसा सब कुछ इसमें मेंशन है। फिर इसमें देखा टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट सबमिटेड 0, 1, 2, यानी कि जितने पेजेस हैं आपके 0, 1, 2, 10 है तो 10 आगे और 9 है तो 9, टोटल पेजेस अटैच्ड, पेज सेल बी नंबर्ड एक्सेप्ट सिक्योरिटी परफॉर्मा, यानी कि सिक्योरिटी परफॉर्मा को छोड़कर जितने भी पेजेस हैं उनको नंबर्ड करना है आपको, सीरियल नंबर डालने हैं उन पे 101 से लेकर जितने भी हैं, फिर आपके सिग्नेचर वगैरह हो जाएंगे। इधर दे रखे नो जॉब इन फैमिली अंडरटेकिंग टू बी अटेस्टेड बाई क्लास 1 ऑफिसर, यानी कि जिसके घर में सरकारी नौकरी नहीं है ये उसके लिए है। नेक्स्ट है तो ये पूरा नोटिस था। देखिए बच्चों ये इन्फॉर्मेशन ऐसी हैं, अगर आपने इनको मिस कर दिया तो आपकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो नहीं हो पाएगी, तो मैं कहता हूँ कि आप अच्छे से इसको रीड करें और अपने डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट कर लें, और उम्मीद करता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो। सबको बेस्ट विशेस हैं, गॉड ब्लेस यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक ये वीडियो आपको कैसी लगी, अपडेट कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिएगा, ताकि आपके दोस्त भी इस चीज़ से वंचित ना रहें, वो भी अपने डॉक्यूमेंट्स टाइम पर पूरा करें। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली नई अपडेट से मैं आपको अवगत करा सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना, खुश रहना, क्योंकि खुश रहना ही ज़िंदगी है, और खुश रहोगे तभी नौकरी मिल पाएगी, क्योंकि दुखी रहने से तो भाई हम
पढ़ नहीं पाएंगे। तो थैंक यू।